नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग यूएसएआईआरएफ को एक्सपोज करते हुए उनकी चड्डियां उतारते हुए एक वीडियो लेकर आएंगे। बाद में हमने रिसर्च करना शुरू किया और ये पता लगा कि उन लोगों की चड्डी उतारने के लिए सिर्फ एक वीडियो काफी नहीं होगा, क्योंकि वो जो कुत्तों से भरी हुई संस्था है, अब ये कुत्तों वाली बात भी हम लोग बाद में जस्टिफाई करेंगे, तो ये जो कुत्तों की संस्था है उसमें एक ऐसा व्यक्ति नहीं है सिर्फ जो इस प्रकार की गतिविधियां करता हो, जो इस प्रकार की सोच रखता हो जिससे भारत के अगेंस्ट में या इस प्रकार का एजेंडा चलाया जाए। तो उसी के चलते हम लोगों को एक पूरी सीरीज करनी पड़ेगी यूएससीआईआरएफ के लोगों, उनके कुत्तों को चड्डियां हैं, मेटाफोरिकल चड्डियां हैं उनको उतारते। तो उसी श्रृंखला में ये सबसे पहला वीडियो है। यहां पर बात करेंगे यूएससीआईआरएफ की और साथ ही में देखेंगे एक पहला एक ऐसा प्रोफाइल जो कि चेयरमैन का है, यूएससीआईआरएफ के चेयरमैन का, जिसका नाम है स्टीफन स्नैक। अब वो कौन है, वो क्या करता था और कैसे कैसे लोगों के साथ कनेक्शंस रखता है, कैसी कैसी जगहों पर जाता है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ये जो पर्टिकुलर श्रृंखला है, ये जो पूरी सीरीज हम लोग यूएससीआईआरएफ को एक्सपोज करते हुए बना रहे हैं, उसको आप देख पाए, समझ पाए, ताकि आपको भी पता चले कि ऐसी जो संस्थाएं हैं जो एंटी इंडिया नैरेटिव्स लेकर आती हैं वो क्यों लेकर आती हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इन रिपोर्ट्स के पीछे होते हैं। तो उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही में यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की खबरें और एनालिसिस और एक्सपोजिस हम लोग लाते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं USCIRF। तो USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब ये एक ऐसी कुत्तों की संस्था है जो पूरी दुनिया अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है उसको वो लोग देखते हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं, और वो रिपोर्ट वे लोग वहां की सरकार को यानी कि यूएस की सरकार को वो लोग हैंड ओवर करते हैं और यूएस की सरकार को सजेस्ट करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज को किस ग्रुप में, कैसी कैटेगरी में डालना चाहिए। जैसे कि उन्होंने रिसेंटली जो रिपोर्ट निकाला उसमें कहा कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डालना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग कंट्रीज में देखते रहते हैं, वहां पर घूमते हैं गवर्नमेंट के पैसों से, यूएस के टैक्स पेयर मनी से, और उन सब जगहों पर जाकर देखते हैं कि जहां पर भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं उनके बीच में जो दरारें हैं वो कितनी है और उसको कैसे एक्सप्लोइट किया जाए, उसके लिए ये लोग कॉन्स्टेंटली काम करते हैं। और उसका जो रिपोर्ट है वो ये लोग यूएस गवर्नमेंट को, स्टेट डिपार्टमेंट को देते हैं, ताकि स्टेट डिपार्टमेंट उन दरारों को बढ़ाने के लिए और उस कंट्री में अपने हिसाब से एक अपने पपेट को बिठाने के कार्यरत हो सके। तो इस प्रकार की एक संस्था है USCIRF। अब इसको कुत्तों की संस्था हमने क्यों कहा, तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे USCIRF तो कई सारी ऐसी लिंक मिलेगी जो ये बताए कि ये यूनाइटेड स्टेट का एक वॉच डॉग है, यानी कि देखने वाला कुत्ता जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर नजर रखता है। जी, ये बहुत सारी अलग अलग लिंक्स हैं, बहुत सारी अलग अलग पेजेस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे जर्नलिस्ट के रिपोर्ट मिल जाएंगे, चाहे वो लेफ्ट लीनिंग हो, राइट लीनिंग हो, सेंट्रिस्ट हो, किसी के, चाहे वो कैथलिक हो, हिंदू हो, किसी के, उन लोगों के आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जो लोग ये जो पर्टिकुलर संस्था है USCIRF उसको एक कुत्तों की संस्था बताती है। वो खुद दो ऐसे कुत्ते जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है वो देखते हैं और उसके हिसाब से भाव भाव करते हैं, उसके हिसाब से भौंकते हैं। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन USCIRF। बेसिकली इन लोगों का काम इतना ही है, सिर्फ अलग अलग कंट्रीज में जाना, उनके जो रिपोर्ट्स हैं, जो मैनिपुलेटेड रिपोर्ट होते हैं, उनके जो टक्कू यहाँ पर बिठाए हैं, जिनको उन्होंने पैसे देकर रखे, उनके पास से जो रिपोर्ट निकल कर आते हैं उन रिपोर्ट को वो लोग एनालाइज करते हैं, उनको वे लोग साइट करते हैं और उसके बेसिस पर रिपोर्ट्स रेडी करते हैं और वो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं वो लोग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जो कि डीप स्टेट का एक पार्ट है, जहां पर डीप स्टेट के तक बैठते हैं। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर संस्था है USCIRF, ये टट्टुओं के कुत्तों की संस्था है, डीप स्टेट के टट्टुओं के कुत्तों, तो इस प्रकार के काम में लिप्त रहे। अब ये जो पर्टिकुलर कुत्तों की संस्था है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बाई पार्टीशन कहती है। बाई पार्टीशन मतलब वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए वे लोग अपने आप को बाई पार्टीशन कहते हैं, जहां पर एक कुत्ते को एक टट्टू बिठाता है जो कि डेमोक्रेट होता है और दूसरे कुत्ते को दूसरा टट्टू बिठाता है जो कि रिपब्लिकन होता है। तो उसी के चलते
ये जो पर्टिकुलर यूएससीआईआरएफ है वो अपने आप को बायपार्टिसन कहती है, रिपोर्ट जो प्रोड्यूस करके देती है वो स्टेट डिपार्टमेंट को देती है, और फिर भी ये कहती है कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि क्या ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट है या नहीं। बात करते हैं स्टीफन स्नैक की, जो कि हाल में इसके चेयरमैन है। तो स्टीफन स्नैक को चेयरमैन के तौर पर रीअपॉइंट किया गया ताकि वो मई 2026 तक चेयरमैन बना रहे बाय नन अदर प्रेसिडेंट जो बाइडन। जी, यूएसए के प्रेसिडेंट ने यूएससीआईआरएफ को, जो कि एक इंडिपेंडेंट संस्था है, गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई नहीं है, उस संस्था के चेयरमैन को रीअपॉइंट किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं डिस्पाइट हैविंग पॉलिटिकल लीनिंग्स। अब और इनके पॉलिटिकल लीनिंग्स क्या हैं, इसके ऊपर भी जाएंगे। अब ये जो पर्टिकुलर कुत्ता है स्टीफन स्नैक, उसको एडवोकेट फॉर कैथोलिक सोशल जस्टिस कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो भी कैथोलिक्स हैं उन लोगों की आवाज उठाता है, उन लोगों के लिए बात करता है। अब हकीकत में ये कैथोलिक्स के लिए बात करता है या नहीं, ये हकीकत में एटलीस्ट क्रिश्चियंस की बात करता है, दिल से बात करता है, वो आगे देखेंगे। देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसमें, और कुछ ऐसे लोगों के साथ ये कुत्ता बैठता है जो एक क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट अचंभे में डाल देगा, और इसकी जो क्रिश्चियन सुप्रीमेसी की इमेज है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगा। उसके ऊपर जाने से पहले इसकी जो प्रोफेशनल हिस्ट्री है उसको देखते हैं। तो ये जो स्टीफन स्नैक है वो 30 सालों तक कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में सर्विस दे चुका है। जी, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में ये 30 सालों तक एम्प्लॉय के तौर पर सर्विस दे चुका है, जहां पर वो प्रोफेसर के तौर पर भी था और कुछ समय के बाद डीन के तौर पर भी अपने सर्विसेज दे चुका है। अब ये जो पर्टिकुलर कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, उसमें जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं वो अगर आप देखेंगे तो साइंस, मैथ्स, आर्ट्स और अन्य कई सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं एट डिफरेंट लेवल्स, लेकिन सबसे ज्यादा जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो है स्पेसिफिकली थियोलॉजी में और रिलीजियस स्टडीज। और ये जो पर्टिकुलर संस्था है कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, वो इस प्रकार के कोर्सेज डिजाइन करती है। ये उनके जो वेबसाइट है उसमें खुद लिखा हुआ है, वो लोग इस प्रकार के कोर्सेज डिजाइन करते हैं और इस प्रकार की स्टडीज प्रोवाइड करते हैं कि साइंस और रिलीजन, उसमें भी जो गॉस्पेल में कहा गया है उसको वो लोग साथ में कंबाइन करके लोगों को समझा सके, पढ़ा सके कि किस तरह साइंस एंड क्रिश्चियनिटी गोज़ टुगेदर। तो इसी प्रकार से ये जो पर्टिकुलर कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, इट इज नथिंग मोर देन अ ब्रेन वॉशिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पर्टिकुलर कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका है जहां पर ये जन स्टीफन स्नैक 30 साल तक सर्विस दे चुके हैं, वो पर्टिकुलर संस्था जो भी अलग अलग टाइप के एक्टिविस्ट निकलते हैं, जो भी अलग अलग टाइप के एक्टिविज्म होते हैं, उनके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड मानी जाती है। वहां पर रेगुलर बेसिस पर एक्टिविस्ट प्रदर्शन करते हैं और उनको जो फंड मिलता है वो मिलता है डेमोक्रेट्स से, और साथ ही में नन अदर देन दैट वन पर्टिकुलर गाय जो अदानी के ऊपर हमले करने के लिए, भारत के ऊपर हमला करने के लिए, भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, भारत में जो फिशर्स हैं उसको बढ़ाने के लिए जाना जाता है, उसके द्वारा किए जाते हैं। अब वो व्यक्ति कौन है यूएसए का, ये हम सभी को पता है, शायद आपके दिमाग में उस व्यक्ति की छवि भी आ गई है। बहुत सारी अलग अलग जगहों पर बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ने, रिपब्लिक भारत ने जैसे, और कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर उसको लेकर कई सारे एक्सपोजर किए गए हैं, और साथ ही में यहां तक उसके खिलाफ जो एक्सपोजर किया स्ट्रिंग रिवील्स ने विनोद अन्ना, उसके चलते विनोद अन्ना की जो स्ट्रिंग रिवील्स की पूरी यूट्यूब चैनल जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर उसको सडनली बंद कर दिया, वो व्यक्ति है नन अदर जॉर्ज सॉरोस। जी, ये जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में 30 सालों तक अपनी सेवाएं दे रहा था एंड हु इज नोन एज एडवोकेट फॉर कैथोलिक सोशल जस्टिस, उसकी यूनिवर्सिटी में जब वो डीन था तब भी, जब वो प्रोफेसर था तब भी, जो भी एक्टिविस्ट एक्टिविटीज करते उसके लिए उनको फंड्स मिलते थे डेमोक्रेट्स की तरफ से, टाइड्स फाउंडेशन की तरफ से, जॉर्ज सॉरोस की तरफ से। तो इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो कितने सालों से सोरोस कनेक्शन में, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस था उसी तरह ये भी एक बंदा है जो कि सोरोस के कनेक्शन में है, और साथ ही में डेमोक्रेट्स भी उसी जगह पर फंड करते हैं जहां पर इस प्रकार की उपद्रव मचाने वाली गतिविधियां होती हैं, स्टूडेंट्स को इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया। ऐसी जगह पर ये पर्टिकुलर व्यक्ति 30 सालों तक अपनी सेवाएं देता रहा,
और उसके बाद डेमोक्रेट्स ने उससे कुछ होकर और संभवतः सोरोस ने उससे कुछ होकर ये जो पर्टिकुलर यूएससीआईआरएफ उसमें सीधा चेयरमैन बना दिया। तो हाल में ये चेयरमैन है स्टीफन स्नैक। इसको कैथलिक एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं या फिर क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट भी कहते हैं, लेकिन लेकिन इसकी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसके चलते ये जो क्रिश्चियन सुप्रीमेसी का टैग है इसके ऊपर लगा हुआ, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लग जाते हैं। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो पिछले साल जब नरेंद्र मोदी यूएसए गए तब कई सारे लोगों ने उस पर्टिकुलर विजिट, नरेंद्र मोदी जी की यूएस विजिट को रद्द करने की बात कही। उसमें मुख्य नाम कौन थे, तो उसमें थे इलान उमर, रशीदा तलेब जो कि रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। इलान उमर के लिए यहां तक बताया जाता है कि वो इस्लामिक ब्रदरहुड जो है उसके साथ भी जुड़ी हुई है। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन है जो सोमालिया से आई थी और यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बन गई है और हाल में अपने कजिन के साथ मैरिज करके वहां पर अमेरिका में रह रही है। नो कमेंट्स ऑन दैट। तो वो वहां पर रह रही है और इस प्रकार के रेडिकल जो माइंडसेट्स हैं, जो भी लोग हैं उनके साथ वो रेगुलर कॉन्टेक्ट में आती हैं और उसी प्रकार के रेडिकल स्टेटमेंट भी देती रहती। तो उसी इलान उमर और रशीदा तलेब ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिस इवेंट का नाम था इंफॉर्मेशन पॉलिसी ब्रीफिंग ऑन इंडिया। ये 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस पर्टिकुलर इवेंट में प्रेजेंट थे नन अदर दैन स्टीफन स्नैक, हु इज करंटली चेयरमैन ऑफ यूएससीआईआरएफ। जी, ये व्यक्ति यूएससीआईआरएफ का जो चेयरमैन है वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक सभा में उपस्थित था और वहां पर उसने एड्रेस भी किया था जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की विजिट का बॉयकॉट किया था और उसका विरोध किया। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर स्टीफन स्नैक है उसने 28 फरवरी 2023 को IAMC यानी कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की एक इवेंट हुई, उसमें एक एंटी इंडिया स्पीच दी थी जिसमें कई बार उसने ये बताया कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं। अब वो खुद ऐसी जगह पर ऐसी संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज की गई इवेंट में प्रेजेंट था और उसमें स्पीच दे रहा था जो कि खुद रेडिकल लोगों से ज्यादा भरी हुई। IAMC जो कॉन्स्टेंटली जब भी इवेंट ऑर्गेनाइज करती है या तो एंटी हिंदू नैरेटिव चलाती है या फिर पूरा एंटी इंडिया नैरेटिव चलाती है। और ऐसे ही एक इवेंट में उपस्थित थे ये पर्टिकुलर महाशय चेयरमैन ऑफ यूएससीआईआरएफ स्टीफन स्नेह। तो इसी प्रकार से वो सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ ही नहीं बल्कि जो एंटी इंडिया लोग हैं उन लोगों के साथ जाकर खड़ा रहता है भले ही वो दूसरे फेथ को क्यों ना बिलोंग करे, और वहां जाकर भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स रेगुलर बेसिस पर देता है। लेकिन अगर बात करें इसका जो क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट का टैग है उसके रिलेटेड, तो कैथलिक न्यूज एजेंसी नामक एक संस्था है जिसकी एक रिपोर्ट हमको मिली जिसमें यह बताया गया कि ये व्यक्ति स्टीफन स्नैक कैथलिक टीचिंग्स को डिस्टॉर्ट करता है, उसको मैनिपुलेट करके उसको प्रोपोगेट कर। ये कैथलिक न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट है जिसमें इसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। तो इसी के चलते ये व्यक्ति ना ही डेडिकेटेड कैथलिक है, क्रिश्चियन है, और ना ही डेडिकेटेड अमेरिकन है। ही इज नथिंग मोर देन अ प्रोस्टिट्यूट। ये सिर्फ एक वेश्या है जो पैसा मिलने नाचती है, बोलती है, और जिस तरह से उसके टट्टू या फिर उनके जो मास्टर्स हैं इन कुत्तों के, वो जिस तरह से इनके पास नैरेटिव बनवाना चाहते हैं उस प्रकार से बनाते हैं। तो ये है स्टीफन श्नेक, आप लोगों के लिए, जो कि यूएससीआईआरएफ का हाल में चेयरमैन है, एक क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट कह लीजिए या फिर सोरोस का टट्टू कह लीजिए या फिर स्टेट डिपार्टमेंट का एक कुत्ता कह लीजिए जो कि कुत्तों की एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चेयर कुत्ता है, वो कह लीजिए, डिसीजन आपके लिए। ये था स्टीफन स्नैक के ऊपर एक रिपोर्ट। इसी प्रकार के दूसरे रिपोर्ट्स भी आते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, लेकिन ये पूरी सीरीज कुछ इसी प्रकार की रहेगी क्योंकि जितने भी लोग हमने स्टडी किए ये पूरी संस्था में वो कुछ इसी प्रकार के हैं, दोगले प्रोस्टिट्यूट वेश्याएं नथिंग मोर देन। तो उसी के ऊपर ये पूरी सीरीज चलेगी। वो लोग अलग अलग आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो उसी के चलते ये पर्टिकुलर सीरीज बनानी पड़ेगी ताकि हम सभी समझ पाए और ये जो पर्टिकुलर यूएससीआईआरएफ है उसको हम लोग काउंटर कर पाए, नॉट देयर रिपोर्ट्स बट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल जो भारत के खिलाफ उनके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें ताकि इस प्रकार की खबरें लाते रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, सरकार महादेव।